सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का MSTS ओपन रेल्स की एक नई वीडियो में। तो भाई लोग, आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 03238 कोटा पटना स्पेशल एक्सप्रेस में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम साइड ट्रैक पर अपने लोकोमोटिव को लेकर खड़े हुए हैं और हमें दिया गया है वेब 7 जिसका नंबर है 30521 और ये गाज़ियाबाद सेट का है। और हम साइड ट्रैक पर इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हमारा अभी शंटर हमारे कोचेस को लेकर आ रहा है जिसमें हमें अपने लोकोमोटिव को कपल करना है। तो देखते हैं यार कितनी देर में हमारे कोचे सजाते हैं। जो सामने आप काला धुआं देख रहे हैं वो हमारे डीजल लोकोमोटिव का है जो कि शंटर लोकोमोटिव है, वही हमारे कोचेस को लेके आ रहा है सामने से। तो इस ट्रैक से होते हुए साइड ट्रैक में हमारे कोचेस जाने वाले हैं और मुझे लग रहा है हमारे साइड वाले ट्रैक में भी एक ट्रेन आ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं दूर से। जैसे कि इस ट्रैक में हमारे कोचेस आ रहे हैं जो कि साइड ट्रैक में जाने वाले हैं ट्रैक चेंज करके, और साइड में भी एक ट्रेन आ रही है। मैं आपको इनका नाम दिखा देता हूँ। तो ये हमारा AI शंटिंग ऑफ 03238 एक्सप्रेस है जो कि WDS6 वातवा का लगा हुआ उसमें लोकोमोटिव जो कि डीजल लोकोमोटिव है जो हमारे कोचेस को लेके आ रहा है। और पीछे से आ रही है 09013 BDTS हरिद्वार एक्सप्रेस जो कि मुझे लग रहा है वेब 5 के साथ है जो कि हमारी साइड ट्रैक पे आने वाली जहाँ पे हमारी लोकोमोटिव है। और ये लोकोमोटिव है बड़ोदरा सेट का। तो चलो यार हम देखते हैं कितनी देर में हमारा लोकोमोटिव कोचेस को लगा देता है प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हरिद्वार एक्सप्रेस है वो हमारे साइड ट्रैक पे आ रही है और जब तक कि ये ट्रेन पूरी क्रॉस नहीं कर जाती हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ट्रैक क्लियर नहीं रहेगा। चलो उतनी देर में हमारे कोचेस भी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हमारा जो शंटर लोकोमोटिव है वो किस तरह से डीकपल होके हमारे कोचेस को जाता है। तो मैं आगे चल के दिखाता हूँ। तो ये हमारा लोकोमोटिव यहाँ पे आ चुका है और ये थोड़ी देर में हमारे कोचेस को डीकपल करके चले जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारे लोकोमोटिव ने कोचेस को डीकपल करके जा चुका है और अब हमको अपने वेब 7 को लाकर यहाँ पे कपल करना है। तो चलो अपने वेब 7 में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी हरिद्वार एक्सप्रेस अभी तक प्लेटफॉर्म में पूरी तरह से गई नहीं है। चलो इतनी देर में हम अपने पेंटोग्राफ को ऊपर कर लेते हैं और पूरे ब्रेक्स को हम रिलीज़ कर देते हैं और लोकोमोटिव को डाल देते हैं फॉरवर्ड में। चलो यहाँ पे हमारी ट्रेन भी पूरी जा चुकी है प्लेटफॉर्म पर। तो हम अपने ट्रैक मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं ताकि हमको सिग्नल देखने में मदद मिले। तो चलते हैं आगे की तरफ हॉर्न बजाते हुए। तो अभी मैं थ्रॉटल को रख रहा हूँ 8 पर क्योंकि हमको ज़्यादा स्पीड गेन नहीं करना है यहाँ पर क्योंकि आगे हमारी 15 की स्पीड लिमिट दी गई है। तो धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लोकोमोटिव दूसरे ट्रैक पे आ रहा है धीरे धीरे। तो हमारी स्पीड हो चुकी है अभी 12 की। तो यहाँ से हमको अपने लोकोमोटिव को थोड़ा दूर तक ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमको आगे चल के रिवर्स मोड में फिर लाना है लोकोमोटिव को और ट्रैक चेंज करके फिर कपलिंग के लिए जाना है। तो जल्दी से हम अपने लोकोमोटिव को आगे तरफ लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अपने लोकोमोटिव को रोक देते हैं ब्रेक्स लगाकर। तो यहाँ पे हमने अपने लोकोमोटिव को रोक दिया है। अब ब्रेक्स रिलीज़ करता हूँ और इसको रिवर्स मोड में डाल देते हैं लोकोमोटिव को और लेके चलते हैं कपलिंग के लिए रिवर्स। तो मैं थ्रॉटल बढ़ाता हूँ, हॉर्न बजाते हुए आगे चलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने सिग्नल पर जो वाइट कलर की आपको लाइन दिख रही है उससे ये इंडिकेट होता है कि हमको ट्रैक चेंज करना है आगे चलकर। और आप ट्रैक मॉनिटर पे देख सकते हैं कि हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है। तो चलो स्लोली चलते हैं आगे और मैं आपको आगे से दिखाता हूँ कि हमारा ट्रैक चेंज कैसे होता है। ये देखिए,
तो हमारा लोकोमोटिव आ गया है अपने मेन ट्रैक पर, जहाँ से हमको कपलिंग के लिए आगे बढ़ना है। और हमको मिल चुकी है यहाँ पर 120 की स्पीड लिमिट। तो चलो यार, अपने लोकोमोटिव को हम एक्सीलरेट करते हैं, टोटल बढ़ा देते हैं और हॉर्न बजाते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है। और ज़्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ाएंगे, मिनिमम 50 एवोब ले जाएंगे, 60 भी चलेगी, बट हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हमको लोकोमोटिव को रोकना भी पड़ेगा, इसलिए हम ज़्यादा स्पीड में नहीं ले जाएंगे। तो ये देख सकते हैं साइड में हमारे कोचेस है, और उसकी साइड में भी दुरंतो कोचेस लगे हुए जहाँ तक, और उसकी साइड में हमारी हरिद्वार एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जो कि थोड़ी देर में डिपार्ट करने वाली है शायद से। तो चलो यार, हमारी स्पीड हो गई है 57। तो हमने तो टोटल पूरा कम कर दिया है, और हम आगे ले जाके थोड़ा सा ब्रेक लगा देंगे फिर। तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं लोकोमोटिव में, और थोड़ा सा और आगे जान देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम रोक देते अपने लोकोमोटिव को, और शायद से हमारी हरिद्वार एक्सप्रेस जो पीछे खड़ी हुई थी वो भी यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। तो हम अपने लोकोमोटिव को डाल देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और चलते हैं अपने कपलिंग के लिए। और हरिद्वार एक्सप्रेस यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है, तो हम भी यहाँ पर जल्दी से अपने टोटल बढ़ाते हैं और कपल करते हैं अपने कोचेस को, क्योंकि हरिद्वार एक्सप्रेस के डिपार्चर के बाद ही हमारा डिपार्चर होने वाला है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हरिद्वार एक्सप्रेस यहाँ से डिपार्ट कर रही है, और हम अपने लोकोमोटिव को स्लोली ले जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में हम कपल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ट्रैक चेंज होगा और हमारी स्पीड ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हमने थ्रॉटल पूरा कम कर दिए हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा स्पीड में तो हम थोड़ा ब्रेक लगा देते हैं। ओके, अब बढ़ने देते हैं लोकोमोटिव को, और ब्रेक्स लगा देते हैं यार, क्योंकि अभी भी स्पीड ज़्यादा है। तो 2 सेकंड के लिए रोकते हैं, अब रिलीज़ करते हैं ब्रेक्स को और स्लोली कपल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से कपलिंग हो चुकी है, हमने सारे ब्रेक्स रिलीज़ कर दिए हैं। अब हम अपने लोकोमोटिव को रिवर्स मोड में डाल देते हैं। तो ये हमारा लास्ट कोच है, अब हम यहाँ से डिपार्ट करते हैं, क्योंकि हमको 18:08 तक इंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन तक पहुँचना है। तो अभी हमारा 18 तो बजी गए हैं लगभग, तो चलो यहाँ से डिपार्ट करते हैं स्लोली। मैंने टोटल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोच के व्यू से कि कैसे डिपार्चर हो रहा है। ये है हमारा लास्ट कोच, तो हम स्लोली कोटा जंक्शन से डिपार्ट कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे हमारे टोटल को बढ़ाते जाएंगे और हॉर्न बजाते हुए यहाँ से डिपार्ट करेंगे। तो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्ट कर रही है, और यहाँ पे हमारे ट्रैक चेंज हो रहे हैं, हम धीरे धीरे मेन ट्रैक पे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यार, कितना ही अच्छा लग रहा है इस व्यू को देखकर। तो फिर रियल में भी जब आप जर्नी करते हो तो जो ट्रैक चेंजिंग होती है उसको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे ट्रैक चेंज हो रहे हैं। और ये है स्लीपर कोच का डोर व्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ट्रैक कितनी अच्छी तरीके से चेंज हो रहे हैं और कितना ही अच्छा लग रहा है इसे देखने पर। आप लोग कमेंट में बताना है आपको कैसा लगता है जब ट्रैक चेंज होते हैं ट्रेन के। तो यहाँ पे फिर से ट्रैक चेंज हुआ है, क्योंकि सामने कुछ कोचेस रखे हुए हैं फ्रेट ट्रेन के, तो हमको इस ट्रैक से ही होते हुए जाना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे साइड पे हमारे एक फ्रेट ट्रेन है, और साउंड सुनो यार इसका, तुम कितना रियलिस्टिक लग रहा है ना, रियल में भी ऐसे ही साउंड आता है। तो हम हॉर्न बजाते हुए आगे चलते हैं, और सामने हमारा एक आ रहा है ब्रिज, हम थोड़ी देर में एक ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेट ट्रेन हमको क्रॉस कर चुकी है लगभग, और यहाँ पर 45 की स्पीड लिमिट थी, इसलिए हमने
ओटी के अंदर ही रखा हुआ है क्योंकि ब्रिज से हमको ज़्यादा स्पीड से नहीं ले जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सीन है। आप लोग बताना आपको ये सीन कैसा लगा। तो मैं आपको डोर व्यू दिखाता हूँ स्लीपर क्लास का। ये देखो, काफ़ी बड़ी नदी है यार ये। ये कौन सा ब्रिज पड़ता है आप लोग को पता होगा तो बताना, मुझे इस ब्रिज का नाम तो पता नहीं है। और सबसे अच्छा व्यू देखिए आप लोग, जब भी ट्रेन कोई कर्व में होती है तो उसको पैसेंजर व्यू से देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो सामने की तरफ मुझे गरीब रथ टाइप के कुछ कोचेस दिख रहे हैं, तो चलो चलते हैं लोकोमोटिव की तरफ। तो यहाँ पे हम कोई स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बोर्ड तो नहीं लगा है, शायद ये नॉर्मल कोई लोकल स्टेशन होगा। तो हम यहाँ से स्किप करेंगे और सामने से कोई ट्रेन आ रही है यार, इसको देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ये है हमारी 09182 ढानापुर BRC स्पेशल फेयर ट्रेन, जो कि V5 के साथ चल रही है और ये शायद बड़ोदरा का था। हाँ, तो ये बड़ोदरा सेट का था V5। और यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं LHB कोचेस, जो काफ़ी अच्छी स्पीड में हमको स्किप कर रही है। यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं यार, यहाँ पे ट्रेन की क्रॉसिंग के चलते क्या लंबा जाम लगा हुआ गाड़ियों का, कुछ ज़्यादा ही लंबा जाम लग गया यार। रियल में भी ऐसे ही होता है कई बार, जब भी ट्रेन क्रॉस करने वाली होती है तो यहाँ पे काफ़ी लंबा गाड़ियों का जाम लग जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन फिर से एक कर्व में जा रही है और धीरे धीरे हमारी ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी है। 93 की स्पीड अभी तक पहुँच चुकी है हमारी ट्रेन। और ये देखिए कितना ही प्यारा व्यू लग रहा है। और सामने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म फिर से स्किप कर रहे हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन भी हो रहा है कुछ इसमें जैसे रियल में होता है। ये कोई प्लेटफॉर्म था जिसे हमने स्किप किया है। और लगभग 6 किलोमीटर बाद हमारा स्टॉपेज है और सामने से हमको एक और ट्रेन स्किप करने वाली है। और ये है 02060 कोटा जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि शायद V7 के साथ थी, आप लोगों ने देखा कर बताना। और ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हमको स्किप कर रही है यार। चलो यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो चुकी है और हमारी ट्रेन फिर से कर्व में जाते हुए, और हमको यहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट मिली है, तो हमको 120 से ऊपर नहीं जाना है, तो हम टोटल को थोड़ा कम कर देते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं चलो यहाँ पे हमारा एक और स्टेशन स्किप कर रहे हैं हम, और लगभग 3 किलोमीटर बाद हमारा स्टॉपेज है। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा ब्रिज आ चुका है, तो चलो इसको देखते हैं यार कैसा लगता है यहाँ से हमको ट्रेन को ले जाते हुए। और मुझे लग रहा है यार काफ़ी स्पीड से हमारी ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है, क्योंकि नॉर्मली इतनी स्पीड से नहीं करते, तो हम एक काम करते हैं ट्रेन की स्पीड कम कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर 120 की स्पीड लिमिट दी गई थी इसलिए हम जा रहे थे। और आगे आप देख सकते हैं जिस ट्रेन का डिपार्चर हमसे पहले हुआ था, जो कि हरिद्वार एक्सप्रेस थी, वो यहाँ पे रुकी हुई है और हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं। तो हमने स्पीड को करीब 52-53 पर ला के रोक दिया है। तो चलो इसी स्पीड में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर बाद हमारा स्टॉपेज है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हरिद्वार एक्सप्रेस रुकी हुई है और हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं। मुझे लग रहा सामने से, हाँ सामने से एक फ्रेट ट्रेन आ रही है,
और शायद इसमें लोकोमोटिव लगा हुआ है WDG-4। हाँ, ये WDG-4 था और ये ऑयल टैंकर फ्राइट 10 है, जो कि काफ़ी स्पीड में हमको क्रॉस करके गई है। और देखो यार, क्या ही बड़ा कर्व है, कितना प्यारा लग रहा था। और इस स्टेशन में हमको रुकना है, बट ये स्टेशन तो बहुत छोटा सा है यार, हमारी ट्रेन तो काफ़ी लंबी है। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, हमारे लोकोमोटिव और जो हमारे गार्ड भाई साहब का जो कोच है, इसको हम कर देते हैं आगे और बाकी कोचेस को रोक देते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन तो इस स्टेशन में आने नहीं वाली। तो लोकोमोटिव को और इस कोच को हम प्लेटफॉर्म के बाहर रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अपने ट्रेन के ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं और रोक देते हैं अपनी ट्रेन को। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 20 सेकेंड का स्टॉपेज है और हम थोड़े लेट हो चुके हैं। हमको 18:08 में यहाँ पे पहुँचना था और हमको टाइम हो चुका है 18:11। और ट्रेन तो देखो यार, क्या बाहर तक आई है। चलो, हमारे डिपार्चर का टाइम हो चुका है, तो हम हॉर्न बजा देते हैं। ओके, तो यहाँ से डिपार्ट करते हैं, तो टोटल बढ़ा देते हैं जल्दी से। और स्लोली यहाँ से हम डिपार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्लो मोशन में हमारा डिपार्चर हो रहा है और हम अभी स्लीपर क्लास के कोच के डोर पे खड़े हुए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यार, कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है, व्हील्स स्लोली घूम रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पैसेंजर व्यू से धीरे धीरे डिपार्चर हो चुका है। तो चलो, हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। हमारी ट्रेन काफ़ी लंबी है, इसलिए हम एकदम से टोटल नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो हमारे व्हील स्लिप होने लगेंगे। तो हमको स्लोली ही स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और सामने शायद एक और ट्रेन आ रही है, चलो देखते कौन सी ट्रेन है। तो मुझे लग रहा है सामने से एक फ्रेट ट्रेन आ रही है, क्योंकि तो इसमें डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है और इसमें लगा हुआ है जहाँ तक WDG। हाँ, इसमें भी WDG लगा हुआ था, WDG-4, और ये भी ऑयल टैंकर फ्राइट है जो काफ़ी स्पीड में हमको क्रॉस कर रही है। और यहाँ पे एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं हम, और अगला स्टॉपेज हमारा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाद है, जो कि है सवाई मधुपुर। और यहाँ पे हम एक स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रेन थोड़ी सी कर्व में जा रही है। ओके, थोड़ा सामने चलते हैं। तो हम इस व्यू से देखेंगे हमारी ट्रेन थोड़े से कर्व में जाते हुए, और हमारे V7 फुल पावर के साथ ट्रेन को पीसते हुए, और एक छोटे से स्टेशन को अभी स्किप कर रहे हैं हम। तो हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आ चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सामने हमारा स्टेशन आ चुका है और ट्रैक चेंज भी होने वाले हैं, और हमको ट्रैक चेंजिंग के समय कम से कम 40 के अंदर स्पीड तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 56 पे रोक दिए हैं, ब्रेक्स लगा दिए हैं। अब इसको इसी स्पीड में हम आगे बढ़ने देंगे, और हमको कोई ट्रेन स्किप करने वाली है। ओके, तो यहाँ पे WDG-4D के साथ फ्राइट ट्रेन हमको क्रॉस कर रही है।
तो यहाँ पे हम अपने ब्रेक्स को थोड़ा और अप्लाई कर देते हैं क्योंकि तो हमारे ट्रैक चेंज होने वाले हैं। ओके, अब न्यूट्रल कर देते हैं, इतनी स्पीड से हम ट्रैक चेंज कर लेंगे। और साइड में एक और ट्रेन खड़ी हुई है यार, ये कौन सी ट्रेन है? शायद ये स्टैटिक ट्रेन है, तो इसके सामने से हमारे ट्रैक चेंज होने वाले हैं। भाई क्या क्लोजली ट्रैक चेंज हो रहा है यार। तो इसको मैं आपको साइड व्यू से दिखाऊंगा, तो उस तरफ चलते हैं। ये देखिए कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें। ओके, तो इसमें भी WDP 4D लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम स्लोली प्लेटफॉर्म में एंटर कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, स्पीड को और कम कर लेंगे, थोड़ा सा और अंदर चले जाते हैं प्लेटफॉर्म में। और यहाँ पे हम ब्रेक्स लगा देते हैं। ओके, तो 20-21 की स्पीड में हम प्लेटफॉर्म में एंटर करेंगे। तो सामने रेड सिग्नल है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे क्योंकि हमको क्योंकि हमारी ट्रेन पर प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। और सामने से आप देख सकते हैं कि एक और ट्रेन हमको क्रॉस करने वाली है, और ये ट्रेन है 02910 BDTS गरीब रथ स्पेशल। तो ये ट्रेन शायद Wave 7 के साथ थी। ओके, तो ये Wave 7 के साथ है जो कि हम क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड में है। चल, हमारा डिपार्चर का टाइम भी हो चुका है, तो हम हॉर्न बजा देते हैं, तो यहाँ से डिपार्ट करते हैं। चलो, हम थ्रॉटल को इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ से हमारी ट्रेन स्लोली निकलते हुए। तो इस स्टेशन का नाम है सवाई मधुपुर, और अगला स्टेशन हमारा है गंगापुर सिटी। तो हम गंगापुर सिटी तक यहाँ पे जर्नी करने वाले हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलो, 6 किलोमीटर बाद हमारा गंगापुर सिटी है, तो हम धीरे धीरे थ्रॉटल को बढ़ाते हैं क्योंकि हमारी स्पीड लिमिट तो 120 है, बट हम एकदम से थ्रॉटल भी नहीं बढ़ा सकते, व्हील स्लिप होने लगेगा नहीं तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ट्रैक चेंजिंग हो रही है और हम मेन ट्रैक पे आ रहे हैं। और सामने से एक और ट्रेन आ रही है, तो टोटल को और इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है सामने से। तो यहाँ पे आप साइड व्यू देख सकते हैं यार, कितने अच्छे तरीके से हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है। और ये ट्रेन जो आ रही है, ये है 02952 MMCT राजधानी स्पेशल। तो ये एक राजधानी ट्रेन है जो कि Wave 7 के साथ आ रही है, और इसमें LHB कोचेस लगे हुए हैं। तो ज़्यादातर आजकल राजधानी में शायद LHB कोचेस ही यूज़ होते हैं। तो चलो, जल्दी से हम अपनी ट्रेन को और थ्रॉटल करते हैं ताकि स्पीड बढ़े। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त भी हो चला है और हमको जल्द से जल्द पहुंचना है गंगापुर सिटी, क्योंकि हम पिछले स्टेशन में भी 18:17 पहुँचे थे और हमको वहाँ पे अराइव करना था 18:15 में। चलो, हमको इस डिस्टेंस को जल्दी टाइम पे कवर करना है। और आप देख सकते हैं यार, क्या ही प्यारा सनसेट होने वाला है यहाँ पर, और हमारी ट्रेन कितनी अच्छी लग रही है। और सामने एक ब्रिज है जिसको हम क्रॉस करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पैसेंजर व्यू से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक ब्रिज क्रॉस करते हुए,
चलो हम गंगापुर सिटी स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा ब्रेक्स अप्लाई कर देते ताकि हमारी स्पीड कम हो जाए। तो यहाँ पे हमने 43 पे आके हमने ब्रेक्स को रिलीज़ कर दिया है। तो हम एंटर करने वाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो हम स्लोली अपनी ट्रेन को आगे ले जाएंगे 40 की स्पीड से। तो साइड में एक और स्टैटिक ट्रेन खड़ी हुई है और देखो यार क्या ही प्यारा कर्व है यहाँ पर। तो शाम का वक्त हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं गंगापुर सिटी के रेलवे स्टेशन पर और हमको थोड़ी आगे ले जाकर अपने लोकोमोटिव को रोकना है। तो आप साइड से देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भैया ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं, तो चलो थोड़ा आगे ले जाकर अपने लोकोमोटिव को रोक देंगे। स्पीड थोड़ी कम कर लेते हैं ओके, और थोड़ा आगे जानेंगे। चलो यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर देते हैं और ट्रेन को रोक देते हैं। तो हमने अपनी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया है। तो यहाँ पे हमारे 3 मिनट का होल्डिंग टाइम है। और एक फ्राइट ट्रेन हमको क्रॉस कर रही है यहाँ से, जिसमें WDG 4 लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस स्टेशन में हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल टाइम के 2 मिनट पहले, तो हमको थोड़ा ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि हमको टाइम पे ही डिपार्ट करना है। तो यहाँ पे हमको फ्राइट ट्रेन क्रॉस कर चुकी है और मुझे कोई दूसरे हॉर्न की भी आवाज़ आ रही है यार, ये फ्राइट ट्रेन की तो नहीं है। मुझे लग रहा है पीछे से एक और कोई ट्रेन हमको ओवरटेक करने वाली है, तो चलो देखते हैं कौन सी ट्रेन होगी। ओके, तो ट्रेन आ चुकी है पीछे से और ये ट्रेन आ रही है WF 7 के साथ, तो देखते हैं कौन सी ट्रेन है। तो इस ट्रेन का नाम है 02244 BDTS CNB सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन, जो कि LHB कोचेस के साथ हमको ओवरटेक कर रही है। उसके ओवरटेक के बाद ही हमको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमको इसी ट्रैक पे आगे जाना है। तो यहाँ पे हमको सुपर फास्ट CNB ट्रेन ने ओवरटेक कर चुका है और ये कुछ आगे चली जाएगी जब जाके हम यहाँ से डिपार्ट करेंगे। तो चलो यार यहाँ पे शाम का वक्त भी हो चुका है और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगली जर्नी शायद हमारी रात में होने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिएगा।